अमिताभ बच्चन शूटिंग के दौरान जख्मी। हैदराबाद में प्रोजेक्ट के की शूटिंग चल रही थी, पसलियों में चोट आई, बोले सांस लेने में भी दिक्कत। अमिताभ बच्चन हैदराबाद में शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं। उन्हें सोमवार को अपने ब्लॉग पर इस बात की जानकारी थी। अमिताभ अभी मुंबई में अपने घर पर आराम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन प्रभास की फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग कर रहे थे। एक एक्शन सीन के दौरान उनकी पसलियों में चोट आई है। हैदराबाद में चेकअप के बाद अमिताभ को मुंबई भेजा गया। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा, रिबकेज में मांसपेशी फट गई है, शूटिंग को रद्द कर दिया गया है, पट्टी बांधी गई है और इलाज किया जा रहा है। काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, हिलने डुलने में भी तकलीफ हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। इस दर्द के लिए मुझे कुछ दवाएं दी गई हैं, ठीक होने में अभी कुछ हफ्ते लगेंगे। बिग बी ने लिखा कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक के लिए सारा कामकाज बंद कर दिया गया है। मैं जलसा में आराम कर रहा हूँ, जरूर चीजों के लिए ही थोड़ा बहुत चलूंगा। हाँ, आराम तो चलता ही रहेगा, मेरे लिए यह कहना मुश्किल है, पर मैं जलसा के गेट पर अपने चाहने वालों से नहीं मिल पाऊंगा तो वो ना आए। आप उन लोगों को भी यह बात बता दें जो जलसा आने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा बाकी सब ठीक है। अमिताभ बच्चन ने दिवाली से ठीक पहले अपने पैर की नस कटने की जानकारी दी थी। उन्होंने खुद एक ब्लॉग के जरिए बताया था कि पैर की नस कटने पर खूब खून बहा, उन्हें अस्पताल का चक्कर भी काटना पड़ा जहां डॉक्टर्स ने उनके पैर पर टांके लगाए थे। अमिताभ बच्चन ने अपने पर्सनल ब्लॉग से इस घटना की जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था, मेटल के एक टुकड़े ने मेरे बाएं पैर के काफ को काट दिया जिससे नस कट गई थी। नस कटते मेरे पैर से काफी खून बहा, समय पर स्टार और डॉक्टर्स की टीम की मदद से मैं समय पर ठीक हो सका। ऑपरेशन थिएटर ले जाकर मेरे पैर में टांके लगाए गए। जब फिल्म कुली के सेट पर मरते मरते बचे थे अमिताभ बच्चन। 26 जुलाई 1982 को फिल्म कुली के सेट पर अमिताभ बच्चन घायल हो गए थे। ये हादसा तब हुआ था जब एक एक्शन सीन के दौरान मार्शल आर्ट में माहिर पुनीत इस्सर ने उन्हें जोरदार मुक्का मार दिया था। पुनीत इस्सर का मुक्का जैसे ही उनके पेट पर पड़ा, अमिताभ बच्चन जमीन पर गिर पड़े। कुछ वक्त बाद वो उठे और बोले कि उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा है। मनमोहन देसाई ने उन्हें तत्काल उनके होटल भिजवा दिया, डॉक्टर्स भी आ पहुंचे। काफी समय तक डॉक्टर्स को बीमारी पकड़ ही नहीं आई, बार बार टेस्ट कराने के बाद भी क्लियर डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था। उधर अमिताभ की हालत बिगड़ती चली जा रही थी, तभी वेल्लोर के डॉक्टर भट्ट ने एक्सरे रिपोर्ट में इंटेस्टाइनल परफॉर्मेशन डिटेक्ट करके बताया कि अमिताभ के पेट में लगी चोट अब मवाद बनने लगा है। इसके बाद अमिताभ की इमरजेंसी सर्जरी की गई। 2 अगस्त 1982 को डॉक्टरों की मेहनत के बाद सांसें फिर जीवन के द्वार पर हल्की हल्की दस्तक देने लगी। धीरे धीरे अमिताभ की हालत सुधरने लगी।